बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज बनाया मैंने सूप, तो सूप देखें कितने मज़े का, कितना टेस्टी, बहुत सिंपल रेसिपी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इस सूप में क्या क्या मैंने चीज़ें ऐड कर दी। आजकल बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बड़े बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है और थकन बहुत हो रही है। तो बस इसी तरह मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक रेसिपी ऐसी जो सूप जो है आप पी सकते हैं और इस सूप को पीकर दवाई भी खा सकते हैं। ठीक है जी, अक्सर बच्चे होते हैं ना कोई चीज़ ना नहीं खाते हैं, तो आप ये सूप बना कर देंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे और दवाई भी पी लेंगे। चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ ये सूप मैंने कैसे बनाती है। ठीक है जी, तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है जी, चलो सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बुखार बहुत हो रहा है और मेरे बच्चों को भी बहुत बुखार हो रहा है। मेरे बच्चे सारे बीमार पड़े हैं, किसी की भी तबीयत सही नहीं है। कोई इधर 102 बुखार, दूसरी वाली को 101 बुखार, इस तरह से सारे मेरे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं और मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी। आप लोग बता सकती, बुखार बहुत हो रहा था, आवाज़ देख सकती आपकी आवाज़ इतनी ख़राब हो रही है, मेरी गला मेरा बहुत ख़राब हो रहा है और फिर भी मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और मैं बना के दूँगी अपने बच्चों को सूप। बहुत सिंपल तरीके से सिंपल वाला सूप बनाएंगे, गला इतना ख़राब हो रहा है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी मैं। तो क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर जी मैंने एग ले लिया, मतलब कि अंडे ले लिया दो, ठीक है। चिकन क्यूब्स है ये ले लिया, इसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, ठीक है ना। ये खट्टा मीठा नहीं है, इसका गला ख़राब नहीं होगा, जो भी पिएगा ना इसका फ्लेवर सिर्फ होता है और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। जैसे हमने यखनी बनाई होती है ना वैसे ही ये लगता है। तो देखें ये ना, ठीक है। तो चलिए अब ये ले लेते हैं। और यहाँ पर जी कॉर्नफ्लोर नहीं ले लिया मैंने 2 चम्मच, ठीक है। और यहाँ पर जो है काली मिर्चें मैंने ले ली हैं, ठीक है। पतीली मैंने रख दी है पानी के लिए। अब मैं क्या करूँगी, पानी इसमें ऐड कर दूँगी, इसमें पानी जितना हमने सूप बनाना है उसी हिसाब से आपने ये पानी इसमें ऐड कर देना, ठीक है जी। अब तो हमने 2 प्याली बनानी है, तो 2 प्याली के लिए जो ना ये काफ़ी है, ठीक है। अब पानी को अच्छे ना से वो बॉयल होने तक इसको पकाए, कच्चे पानी में कभी भी ये चीज़ें नहीं ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, कौन फोन है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये बना लिया पेस्ट, ठीक है। चलिए और ये 2 अंडे ये इसमें, ठीक है, निकाल लिया, सही है जी। और इसलिए मैं ये ना ये अंडे जो ना फेंटूंगी और अभी जो है क्या ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर, ये मैं अपने आप लोगों को पूरे अंडे मैंने इसमें निकाल लिए, ठीक है, 2 अंडों सही। और इसको हमें साइड में कर देना है। अब अच्छी तरह से जो ना पानी है ये उबल रहा है और चिकन क्यूब्स है ये हमें डाल देनी है इसके अंदर। ये क्यों डालेंगे, इसलिए कि इसकी यखनी जो ना, जैसे हम यखनी बनाते हैं ना वैसे ही है, इसका कलर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो चले इसको अच्छी तरह से हमने उबाल लेना है पानी को और इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे ये बनेगी इसमें मेल्ट होगी तो कलर इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे जैसे मैं बनाते जाऊँगी वैसे वैसे कलर चेंज होता जाएगा। अच्छी तरह से इसको हमने जो ना इसको मिक्स कर लेना है। ये अपने घर में सूप बनाएं और बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि आजकल ना मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर कोई बीमार हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है, देखें जी कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसको बॉयल होने तक जो है इसको हम पकाएँगे 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है जनाब। यहाँ पर जो ना ये देखें पानी जो ना बॉयल हो चुका है, अच्छी तरह से मैंने पानी को बॉयल कर लिया है। अब कौन फोन है ये हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए जी ये जाएगा, अभी हल्का सा जो ना गाढ़ा होना शुरू होता है, ये देखिए फौरन ही गाढ़ा होना शुरू होता है, देखा आपने, ये देखिए इतना ही हमने गाढ़ा रखना है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, ये अंडे जो थे ना इसको हमने फेंट लिया, ठीक है। चले अंडे जो ना ये इसमें हल्के तरीके से
से आपने इस तरह से कर लेना और इसको हल्के चम्मच से इसको चला लेना। मैंने ये सूप तैयार कर लिया, ठीक है। इतना ही है मुझे चूना, ये गाढ़ा चाहिए था और इतना ही, इतना पतला नहीं रखे ना इतना गाढ़ा रखे, और बच्चों को भी खाने में बहुत टेस्टी। ठीक है, चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद और बहुत सिंपल तरीके से ये सूप तैयार हो जाता है और कोई इसमें मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है जी, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आज बनाया मैंने सूप, तो सूप देखें कितने मज़े का, कितना टेस्टी, बहुत सिंपल रेसिपी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इस सूप में क्या क्या मैंने चीज़ें ऐड कर दी। आजकल बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बड़े बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है और थकन बहुत हो रही है। तो बस इसी तरह मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक रेसिपी ऐसी जो सूप जो है आप पी सकते हैं और इस सूप को पीकर दवाई भी खा सकते हैं। ठीक है जी, अक्सर बच्चे होते हैं ना कोई चीज़ ना नहीं खाते हैं, तो आप ये सूप बना कर देंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे और दवाई भी पी लेंगे। चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ ये सूप मैंने कैसे बनाती है। ठीक है जी, तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है जी, चलो सूप बनाना स्टार्ट करते हैं।